हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ऑप्शंस ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। तो आज का टॉपिक जो है वो आप लोग सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जो आपको देख के समझ में आ रहा है, ये बिगनर्स के लिए है, राइट। मतलब आप प्रो भी हो तो भी आपके ये काम आएगा, बट ये बिगनर्स को भी काम आने वाला है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ऑप्शंस लर्निंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। तो अगर अभी आप अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो, आप एकदम न्यू हो, आप बिल्कुल इस फील्ड में न्यू हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है अगर आप बिगनर हो तो, राइट। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप तो होता है आपको वो जो आपको पता ही है कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करा लो, आप कहीं भी ओपन करा सकते हो, डिस्काउंट ब्रोकर में, रेगुलर ब्रोकर में, कहीं भी करा सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है पहले आपको, आपको जो सही लगे जहाँ पे भी आप वहाँ पे करा सकते हो। देन फिर आपको एक स्ट्रेटजी सीखनी होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है ना कि यूट्यूब पे जो है इतने सारे नॉलेज हैं, एंड मैं किसी की भी स्ट्रेटजी को ख़राब नहीं बोल रही, सबकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है, सबकी स्ट्रेटजी वर्क करती हैं। तो अब हम कंफ्यूज होते हैं कि इसे यूज़ करें या उसे यूज़ करें, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं। तो ये वाला यूज़ करें या वो वाला यूज़ करें, तो आप जिससे भी कनेक्ट कर पाते हो ना, अगर आप जैसे आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, आप हमसे कनेक्ट कर पाओ या किसी और से कनेक्ट कर पाते हो, जिससे भी आप कनेक्ट कर पाओ उसकी एक स्ट्रेटजी पकड़ो। आपको ऑलवेज किसी एक को फॉलो करना है, राइट, और उस एक के भी एक स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। तो एक स्ट्रेटजी आप सीख लो, उसके बाद कुछ दिन तक आप उसको बैकटेस्ट करो लाइव मार्केट में। आप क्योंकि ऑप्शंस का है तो आपको लाइव मार्केट में बैकटेस्ट करो, देखो ये वर्क करती है या नहीं। उस पर आप रिपोर्ट्स बनाओ, एक्सेल पे आप रिपोर्ट्स बनाओ, एंड देन फिर आपको जब बैकटेस्ट आपको हो जाए, 2 मंथ्स तक बैकटेस्ट करो, देन आप रियल ट्रेड स्टार्ट करो। क्योंकि लाख आप बैकटेस्ट कर लोगे 1 ईयर तो भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप रियल ट्रेड्स नहीं करोगे, राइट। तो फिर आपको रियल ट्रेड स्टार्ट करना है, 1 लॉट से करना है। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल भी आए, आई होप आप नोट्स बनाते जा रहे होगे, तो अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल भी है तो भी आपको 1 लॉट से ही ट्रेड करना स्टार्ट करना है। आपके पास चाहे जितना भी बड़ा कैपिटल क्यों ना हो, राइट, पहले आपको एक स्कूप आइसक्रीम को हैंडल करना आना चाहिए, देन ही आपको आगे और स्कूप्स लेने चाहिए। तो आपको 1 लॉट से स्टार्ट करना है, राइट। एंड उसके बाद आप देखो, आप कंसिस्टेंटली, आपका शुरू में तो लॉस होना ही होना है, तो आप देखो कि 6 मंथ्स 1 ईयर आप लगातार ट्रेड करो, एंड देन आप देखो कि आपका गोल होना चाहिए बहुत रियलिस्टिक रिटर्न आपका होना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 200% बनाने का आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। आप अगर ऑप्शन शॉर्टिंग कर रहे हो तो 2-3% मंथली आपका गोल होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो 5% आपका मंथली का आपका होना चाहिए। देखो 5% मंथली मतलब 60% ईयर हो जाता है, जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मैं ऑन एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट हमें बना के नहीं देता है, राइट। तो अब बात आती है, अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो मैं एक ब्रीफिंग बस आपको कर देती हूँ। हमारी स्ट्रेटजी यही होती है, ये बाई की स्ट्रेटजी है। मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग होता है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 5 मिनट्स हमारा टाइम फ्रेम होता है। प्राइस जो है ऐसे स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आता है, एंड यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ये हमारा बाई का सेटअप होता है। ऑन द अदर हैंड अगर शॉर्ट का आपको सेटअप जानना है तो ये मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग होता है, प्राइस जो है स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आता है। यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल बनती है तो हमारा शॉर्ट का सेटअप होता है, टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स रहता है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफिंग कर दी स्ट्रेटजी के बारे में, आपको ब्रीफिंग कर दिया, बट आपको अगर डिटेल में स्ट्रेटजी जाननी है तो आप एक बार स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ओके। एंड वन मोर थिंग, हम जो यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ वो होता है ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट। डेली हम काफ़ी लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे आपको ये काम आने वाली है। तो अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, क्योंकि डेली काफ़ी नए नए प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं इस चैनल पे, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके पास ये शीट नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करके हमसे ले लो, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। आपके लिए हमारे पास ये निफ्टी की भी है, बैंक निफ्टी की भी है, फिन निफ्टी की भी है, एक्सपायरी की भी है, सारी शीट हमारे पास है। आपको सब शीट चाहिए तो आप लिख दो, आपको सारी शीट चाहिए जो भी आपको चाहिए आप वो लिख के भेज दो, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, ओके। एंड आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ जो बिगनर को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना होता है। तो उस पर भी हमने आपको डिटेल्ड वीडियो दे रखी है, ये देखो ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, काफ़ी बड़ी सी शीट है, इस पर हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है कि इसको कैसे एक एक कॉलम को फिल करना है, तो आप उसको भी देख लेना, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मस्ट वॉच है, हमारे साइड से रिकमेंडेड है ये आपको,
तो आप जरूर देख लेना। क्यों मैं इस पे इतना जोर दे रही हूँ, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप हमसे अपने जर्नल को चेक भी करवा सकते हो। आप जर्नल बनाओ एंड आप हमें सेंड कर सकते हो कि ये आपका आपने ट्रेड्स लिया है, तो आप हमसे फीडबैक के लिए आप हमें सेंड कर सकते हो आपने सही किया या रॉन्ग किया। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो आपको इस चैनल पे मिल रही है, तो इसका आप फ़ायदा उठाओ और जर्नल फटाफट से बनाओ। एंड दोनों शीट्स आप हमसे ले लेना, अगर आपके पास नहीं है तो ये दोनों शीट्स आप हमसे ले लेना। चलो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, इस चैनल पे अब आप लोग को एक ज्वाइन का भी बटन दिखेगा। तो आप लोग ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, तो हमने सोचा आपको एक ऐड ऑन और हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, एक ज्वाइन का आपको बटन दिखेगा। तो अगर आप जानना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो उसमें काफ़ी आपको जस्ट बहुत सारे पर्क्स आपको मिलेंगे, उसमें एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे। कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको अगर लगे कि यूज़फुल होगा आपके लिए तो आप कर सकते हो, राइट। बाकी तो आपको सारी फैसिलिटीज़ फ्री में बिल्कुल मिलेंगी इस चैनल पे, आपको कुछ भी पेड में आपको नहीं मिलेगा। ओके, जो हमारा प्रॉमिस है, जो सारी वीडियोज आप लोग जो डिमांड कर रहे हो, वो सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम 20 मूविंग एवरेज पे देखेंगे, देन हम 50 पे देखेंगे, राइट। तो ये देखो, आज क्योंकि एक्सपायरी नहीं थी इसलिए पहले हम 20 पे देखेंगे, देन 50 पे देखेंगे। सो देखो, ये गैप अप के साथ एक हमारा मार्केट ओपन हुआ, इस कैंडल पे गैप के साथ ओपन हुआ। सो आपको मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया है, जब भी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो आप ऐसे हाई लो पे जो है लाइन मार्क करके बस रख सकते हो, बस कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन आप मार्क करके रख सकते हो। एंड यहाँ पे देखो, गैप अप होने के बाद इसको ब्रेक करने का ट्राई किया प्राइस ने, यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया, बट अगले ही मोमेंट देखो ये फिर अंदर आ गया, इसी रेंज के अंदर आ गया। उसके बाद देखो, ये इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा था। आपको इसकी ब्यूटी समझ में आएगी, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई लो होता है। देखो उसके बाद पूरे टाइम इसी के अंदर प्राइस मूव कर रहा था, फिर इसने ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर अंदर आ गया। तो आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस बच जाते हैं अगर आप ऐसा यहाँ पे आपने तो बाई का ट्रेड ले लेते, ये वाला जो है ये कैंडल पे अगर आप बाई का ट्रेड ले लेते तो अननेसेसरी आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया ये वाला कॉन्सेप्ट, कि कभी भी गैप अप गैप डाउन हो, इस तरह से कैंडल बड़ी सी बने, तो इसकी हाई लो पे कुछ भी नहीं, बस हाई लो पे आपको ऐसे लाइन मार्क करके छोड़ देना है। एंड प्राइस जब तक इसके इनसाइड मूव करे, आपको बाई के ट्रेड्स या शॉर्ट के ट्रेड्स, बाई के तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है चांसेस आर देयर कि प्राइस जो है हमारा पूरे दिन साइडवेज रह जाए, तो इसीलिए इस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो आज वही सिनारियो था, देखो बिल्कुल आपको प्राइस जो है कितना ब्यूटीफुली देखो इस रेंज के अंदर मूव कर रहा था। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। तो कॉल साइड तो देखो आज हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि उस रेंज के अंदर ही मूव कर रहा था। अगर पुट साइड देखा जाए तो पुट साइड भी देखो यहाँ पे गैप के साथ मार्केट ओपन हुआ, ऐसे अगर आप हाई लो पे मार्क कर दो। तो जब तक इस रेंज के अंदर है, आपको मैंने बोला बाई का ट्रेड तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, शॉर्ट का ट्रेड आप कर भी सकते हो फॉर टाइम बिंग, क्योंकि शॉर्ट के ट्रेड में आपको डीके का पैसा मिलता है, मतलब आपका साइडवेज भी मार्केट हो जाता है, तभी भी आपका चांसेस रहता है आपको प्रॉफिट होने का। बट बाई में तो साइडवेज में बिल्कुल भी आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये देखो, एक यहाँ पर ट्रेड आप ले सकते थे, नहीं भी लिया तो कोई भी ऐसा नहीं है, नहीं लिया तो ये साइड इसी रेंज में था, तो मैं भी ये ट्रेड प्रीफर नहीं करती, ये वाला ट्रेड मैं भी प्रीफर नहीं करती। उसके बाद देखो प्राइस जो है यहाँ पे देखो डोजी काइंड ऑफ कैंडल से हमारा ट्रेड आया, तो डोजी पे तो हम एंट्री लेते नहीं हैं। तो बेसिकली आज प्राइस जो है मूव तो किया, बट हमारे सेटअप पे हमें ट्रेड नहीं मिला, राइट। तो ना आपको कॉल में मिला, ना आपको पुट में मिला। अब हम 50 मूविंग एवरेज पे देख लेते हैं। आप लोग को इतना क्लियरली मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत ही सिंपल वे में मैं ट्राई करती हूँ, बिगनर्स के लिए स्पेशली मैं ट्राई करती हूँ बहुत सिंपल वे में आप लोग को समझाया जाए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये देखो 50 पे भी आपको सेम सिनारियो था, इसी रेंज के अंदर मूव करा था। आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर ट्राई करना, बैक टेस्ट ज़रूर करना। आप जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो बस आपको हाई लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट कैंडल के हाई लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके छोड़ देना है, राइट। कॉल साइड तो नो ट्रेड था, पुट साइड देख लेते हैं। चलो पुट साइड अगर देखा जाए तो 50 मूविंग एवरेज पे देखो पुट साइड भी आपको ये एक ट्रेड आया जो 3-5 का ट्रेड था। तो इतने लेट से हम वैसे भी ट्रेड नहीं करते हैं, तो आज नो ट्रेड डे था, ना तो कॉल में ना तो पुट में। 50 पे भी आपको कोई सेटअप नहीं मिला। सो डन फॉर द डे, ये था हमारा आज का ऑप्शंस ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो बिगनर के लिए। हमारी स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है, तो अगर आप बिगनर भी हो तो आप आराम से हमारी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसका अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से नोट्स बनाओ एंड आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो।
आप श्योर प्रॉफिटेबल बनोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोगों ने काफ़ी इधर उधर से नॉइजेस को देख के ना हमने काफ़ी इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, काफ़ी सिंपल होता है। तो आप लोग जितना सिंप्लिसिटी से इसको करोगे आप लोग के लिए उतना इजी प्रॉफिटेबल, आप इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे, राइट। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं एक मंडे को एक नए ऑप्शंस लर्निंग के वीडियो में। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो कमेंट करो, ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी के अभी देखो, मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर दिलवा दूंगी। एंड ट्रेडिंग जर्नल की शीट के लिए भी आपके पास नहीं है तो कमेंट करो, क्योंकि आपके पास अगर ये शीट होगी तभी आप हमसे चेक करवा सकोगे, हमें भेज पाओगे, राइट। एंड ट्रेडिंग में हमें कोई नहीं बताने वाला होता है कहाँ पे हमने राइट किया, कहाँ पे रॉन्ग किया है, तो आप इसका फायदा उठाओ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है आप इसका फायदा उठाओ, राइट। चलो मिलते हैं मंडे के एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।